नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट लाइव। इस वक्त हम आपको किससे मिलाने जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, सीधे तौर पर विजुअल्स के पास आपको ले चलूंगी। आप खुद देखिए कि हम आपको आज किससे मिलाने वाले हैं। ये है अदीबा और आप देख सकते हैं किस तरह खुश है पूरा देश, पूरा जम्मू कश्मीर। अदीबा को दुआएं दे रहा था कि वो बहुत जल्द स्वस्थ हो जाए, तो आज अदीबा बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी है। अदीबा का पूरा परिवार खुश है। आपको बता दूं कि अदीबा आपदा वार्ड के 212 नंबर बेड पर हैं और 1 जुलाई को ये हादसा हुआ। फ्री में उसके लिए दवाइयाँ लेकर सारी चीज़ें, उसके बाद वो उसने रिकवर भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन उसमें एक दिक्कत आ रही थी कि जब हमने उसको खड़ा किया तो उसको चलने में दिक्कत आ रही थी, तो फिर आर्थोपेडिक्स वालों की कॉल कराई हमने, उन्होंने उसका एक सीटी करवाया। सीटी कराने के बाद थोड़ा सा जो उसकी हिप बोन है उसमें स्लाइड सा एक क्रैक आया है, लेकिन वो बच्चों में एज इट इज़ रिकवर हो जाता है, जिसके लिए हमने उसको 2-3 दिन के लिए रिटेन किया है, तो उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर वो फॉलो अप के लिए कभी भी आ सकते हैं ओपीडी में, बट वो एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि अदीबा काफ़ी ज़्यादा खुश है, स्वस्थ है। ये दुआएं जो हैं वो अदीबा के काम आई हैं। हर किसी ने अदीबा को आशीर्वाद दिया कि वो बहुत जल्द स्वस्थ हो जाए, तो आज अबीदा हमारे बीच बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रही है। यही चाहते हैं कि अबीदा हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और बड़ी होकर कुछ अपना नाम कमाएं। अस्पताल के अंदर हैं जीएमसी के ऑर्थो। ऐसा है कि उसके साथ में कज़न वगैरह है, अब उनका क्या रिलेशन है उनके साथ, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो मेरी एडिशनल डीसी साहब वहाँ पर यार साहब हैं किश्तवाड़ में, उनसे बात हुई है कि गवर्नमेंट ने उन्हीं को नोडल ऑफिसर बनाया है, वो देखेंगे कि कौन इसका लीगल हायर हो सकता है, कैसे अडॉप्शन है, वो सारे उसके जो भी उसके लिए उनको रिक्वायरमेंट्स हैं वो वहाँ क्लियर करेंगे, उसके बाद अडॉप्शन करवाएंगे। पूरी फैमिली है, जैसे कि मेरी पूरी फैमिली, मेरे घर में पापा है, भाई है, जो बड़े भैया उनकी शादी हुई, मेरी सिस्टर है, मतलब हमारी पूरी जॉइंट फैमिली। घर वालों ने अभी मतलब वैसे कोई बात नहीं कही अडॉप्ट की, तो उन्होंने सोच ली, उन्होंने इतना कहा कि ये बात सहन से निकाल दो कि अडॉप्ट करना है, क्योंकि हमारी मतलब जो भैया की दो ही निशानियाँ थी, जैसे बड़े भाई थे उनके बच्चे हैं, तो दो है एक को घर में है, लोगों से घर में, तो क्या कहते हैं उन्होंने मतलब बोला कि जहन से ये बात निकाल दे हमें कि अडॉप्ट नहीं करना, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जो जो भी इनको पैसे मिलेंगे इंशाल्लाह वो हमने फिक्स करनी है इनके लिए, मतलब पूरे 18 साल के बाद, उसके बाद जब बाल होते हैं उसके बाद हमने क्या कर रहे हैं क्या नहीं वो ये तब तक इंशाल्लाह हम हैं, तो हमारी पूरी फैमिली है, तब तक जो भी इनको इंशाल्लाह उसके लिए। आप देख रहे हैं कि अदीबा कितनी खुश हैं और कितनी खुशी से वो सबके साथ खेल रही हैं। लेकिन अगर अडॉप्ट करने की बात हम कहें तो परिवार वालों का सीधे तौर पर कहना है कि वो बिल्कुल भी अदीबा को अडॉप्ट नहीं करने देंगे, वो अपने पास ही रखेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि अदीबा की एक बहन भी है जो अपने घर में है, और अदीबा और उनकी बहन, दो बहनें इस वक्त दुनिया में हैं और वो एक दूसरे के साथ रह सकती हैं। अडॉप्ट करने की
कोई ज़रूरत नहीं है, ये परिवार वालों के द्वारा कहा जा रहा है। क्योंकि आपको ये भी बता दूं कि एडीसी को नोडल ऑफिसर तैनात किया गया है कि उनकी जिम्मेदारी है कि आपने देखना है कि कौन अदीबा को अडॉप्ट करेगा या फिर जो सरकार उसे सुविधा मुहैया कराएगी उसे किस तरीके से रखना है। ये पूरी जिम्मेदारी एडीसी को दी गई है, जो एडीसी इस वक्त किश्तवाड़ में है उन्हें ये पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और बहुत ही अच्छे तरीके से अदीबा ने सर्वाइव किया और बहुत अच्छी और तंदुरुस्त इस वक्त अदीबा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अदीबा ने अपने पिता को खो दिया, अपनी माता को खो दिया, और सबसे बड़ी बात कि 45 दिनों का भाई जो है उसे भी अदीबा ने खो दिया। अभी महज उसके साथ खेलना ही शुरू किया था कि अदीबा जो अदीबा है एक सड़क दुर्घटना में उनके पूरे परिवार की मौत हो गई, जहाँ पर अदीबा बिल्कुल अकेली रह गई। तो अगर दुआओं की बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर की दुआएं और पूरे भारत की दुआएं उनके साथ थी और उसी का नतीजा आज निकल कर सामने आया है। कहते हैं ना कि जिसे भगवान रखता है उसे नहीं मार सकता कोई भी, चाहे कोई भी हो। जिसे भगवान ने रखना है उसे कोई छू तक नहीं सकता। वही हुआ अदीबा के साथ, क्योंकि अदीबा को भगवान के आशीर्वाद के तौर पर भी देखा जा सकता है कि अदीबा सिर्फ और सिर्फ भगवान का आशीर्वाद है। क्योंकि इतना बड़ा सड़क हादसा हो गया और सड़क हादसे में अदीबा को मामूली चोटें तो आई लेकिन वो इस दुनिया में जिंदा रह गई और बच गई। अब सवाल ये है कि सरकार ने अगर उसके लिए कदम उठाया है तो आखिर तक कदम उठाए जाने चाहिए, पूरा फॉलो अप इनका होना चाहिए कि किस तरीके से अदीबा सर्वाइव करेंगी, कहाँ जाएंगी, कैसे रहेंगी और कितनी राशि इन्हें मुहैया कराई जाएगी, सुविधाओं के लिए क्या क्या चीज़ें इनके लिए रखी जाएंगी। फिलहाल आपको दिखाया कि किस तरीके से अदीबा सर्वाइव करती हुई बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। डॉक्टर के द्वारा कहा जा रहा था कि औरतों की थोड़ी बहुत परेशानी उन्हें आ रही है, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन अभी भी उन्हें रखा गया है और बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगी। यही दुआ करते हैं कि अदीबा बड़ी होकर एक मुकाम हासिल करें, खुश रहें, सलामत रहें। देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव।